तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फल वाले की औकात। ये कहानी है अल्मोड़ा नामक गांव की, जहां पवन अपनी छोटी बहन रीता के साथ रहता था। पवन और रीता के माता पिता का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था, जिस कारण वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। पवन अपनी बहन रीता को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करता था। हालांकि वह लोग गरीब थे, इसके बावजूद पवन अपनी बहन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की हमेशा कोशिश करता था। पवन खुद तो फल बेचा करता था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर ही थी, इसलिए वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया, पर उसने अपनी बहन रीता को बहुत पढ़ाया। रीता की 12वीं करने के बाद एक दिन वो पवन को कहती है, पवन भैया अब तो मेरी 12वीं भी हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं। आप पूरे दिन फल बेचकर इतनी मेहनत करते हैं, साथ ही मुझे घर का काम भी नहीं करने देते। मैं सोच रही हूं कि मैं घर पर रहकर ही घर के काम करूं और आपके काम में थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूं। बहन मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन। अगर तू कामयाब हो जाएगी तो मैं मान लूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बस तुझे कामयाब इंसान बनते देखना चाहता हूँ, फिर तेरी शादी भी तो करनी है पगली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, पवन हंसते हुए रीता को कहता है। बहन एक दिन शादी तो सभी को करनी पड़ती है, और तेरी शादी के तो मेरे दिल में बहुत अरमान है। क्या तू अपने भाई को वो अरमान भी पूरे नहीं करने देगी? मुझे कुछ नहीं पता भैया, बस मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है अब खाना तो लेकर आ जा, या बस बातों से ही पेट भरना है मेरा आज। फिर रीता पवन के लिए खाना ले आती है। अगले दिन पवन रीता का कॉलेज में दाखिला करवा देता है। फिर रीता कॉलेज में खूब मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। फिर एक दिन रीता की क्लास का ही एक लड़का अनिल, जो उसके गांव में प्रधान का बेटा था, वो रीता के पास आकर कहता है, हेलो तुम रीता हो ना जिसका भाई फल बेचता है? हाँ, आपको मुझसे क्या काम है? और मेरा भाई कुछ भी काम करे, आपको उससे क्या मतलब? पता नहीं था फल बेचने वालों की बहन इतनी सुंदर होती है। मुझे भी नहीं पता था कि प्रधान का बेटा इतना घटिया सोच वाला होता है। तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। हद से बाहर तुम गए हो मेरे भाई का नाम लेकर। बहुत जल्दी तुझे इस बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी। ये धमकी जाकर अपने पिताजी को दो, मुझे नहीं, समझे? रीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अनिल के दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। ओ क्या बात है अनिल भाई, आज एक लड़की तेरी बेइज्जती करके चली गई, जिसकी रैगिंग करने चला था, देख वो तो तेरा ही नाम खराब कर गई। भाई अब कॉलेज के बच्चे क्या सोचेंगे कि अनिल को एक लड़की धूल चटा गई। अगर इसको सबक नहीं सिखाया तो बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी और तेरे पिता का नाम और रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम लोग? जो लड़की आज मुझे इतना सुना कर गई है, बहुत जल्दी देखना वही मेरे पीछे पागल हो जाएगी। सपने में भाई, ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है जो तेरे जाल में फंसे। लगी शर्त, एक महीने में इसको अपना बनाकर रहूंगा। जैसा अनिल ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अनिल ने अगले दिन रीता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो रीता, मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है। अनिल की ये बातें सुनकर रीता को लगता है कि उसने कल कुछ ज्यादा ही अनिल के साथ बदतमीजी करी। फिर वो उसकी बातों में आ जाती है और तुरंत अनिल से कहती है, शायद कल मैंने भी तुमसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी अनिल, मुझे माफ कर दो, मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्ती? पर हमारे बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है? तुम अमीर और मैं एक फल बेचने वाले की बहन, क्या ये सही होगा? हमारा स्टेटस बहुत अलग है। दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती रीता, दोस्ती सिर्फ अपनापन देखती है, और मुझे वो अपनापन तुम में मिला है,
और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। फिर रीता और अनिल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे रीता अनिल की बातों में आने लगती है और उसे पसंद करने लगती है। फिर एक दिन अनिल रीता को कहता है, रीता बहुत दिनों से मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनिल मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हम शादी कर पाएंगे। तुम प्रधान के बेटे हो और मेरा भाई एक फल बेचने वाला है, हमारी शादी कैसे संभव हो सकती है? रीता इतना ही कहती है कि अनिल अपना हाथ काट कर रीता की मांग भर देता है और उससे कहता है, लो हो गई हमारे बीच के स्टेटस की दीवार खत्म, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, क्या तुम अब भी ये शादी कबूल नहीं करोगी? यह सब देखकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अनिल को गले लगा लेती है। फिर अनिल और रीता अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। अगले दिन रीता अनिल से कहती है, अनिल मैं आज अपने भाई को बता दूंगी हमारी शादी के बारे में, और तुम भी अपने पिताजी को बता देना। शादी? कौन सी शादी? कब हुई शादी? पागल हो गई हो क्या? वो सब एक मजाक था, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि तुझे हासिल करके रहूंगा, जो मैंने कर लिया। रीता रोते हुए अनिल से कहती है, तुम मेरे साथ ये खिलौना मजाक नहीं कर सकते अनिल, मैं कहाँ जाऊंगी अब, अपने भाई को क्या जवाब दूंगी, मैं मर जाऊंगी। मरती है तो जा, मर जा, पर मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, समझी? ये सब बातें सुनकर रीता बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अपने भाई के मान सम्मान और उनकी सोच कर रीता सुसाइड कर लेती है। जैसे ही पवन को अपनी बहन की मौत का पता चलता है, पवन बहुत टूट जाता है। साथ ही उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। फिर पवन को रीता की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसके साथ अनिल ने क्या क्या किया सब लिखा हुआ था। फिर पवन गुस्से से प्रधान के पास जाता है और उन्हें सब सच्चाई बता देता है। प्रधान जी, आपके बेटे ने झूठे प्यार के वादे करके मेरी बहन के साथ गलत काम किया और उसे इतना मजबूर किया कि उसने सुसाइड कर लिया। दो कौड़ी के फल बेचने वाले, तेरी औकात ही क्या है जो तू मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? हमें क्या पता तेरी बहन ने किसके साथ क्या किया होगा? बहुत देखे हैं तेरे जैसे, अब निकल जाए यहाँ से। फिर पवन वहां से चला जाता है और दिन रात फल बेच बेच कर बड़ी मेहनत करता है और धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा करके बाग खरीद लेता है और बहुत सारी जमीन भी। फिर वो उसी में अलग अलग फल की खेती करता है। फिर कुछ समय बाद वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। कुछ समय बाद पवन अपनी पहुंच से अनिल को अपनी बहन की मौत के केस में जेल करवा देता है। साथ ही प्रधान की भी इतनी बदनामी होती है कि अब वो गांव का प्रधान नहीं रहता। फिर पवन प्रधान से कहता है, देखा भूतपूर्व प्रधान जी, एक फल वाले की औकात, जिसने अपनी बहन की मौत का बदला भी ले लिया, साथ ही तुम्हें और तुम्हारे रुतबे को खत्म ही कर दिया। फिर प्रधान को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। पवन ने अपनी बहन का बदला तो ले लिया और वो आज बहुत कामयाब भी था, लेकिन इतनी कामयाब होने के बाद भी आज वो अकेला ही था। जिस बहन को इतने प्यार से पाला, आज वो उसकी कामयाबी में उसके साथ नहीं थी।